नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनकी जिक्री एसेंस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, जिन लोगों का वजन न बढ़ रहा हो वह रोजाना काजू खाएं, इससे वजन बढ़ने लगेगी। नंबर दो, रात और दोपहर के खाने के बाद एक कली लहसुन की खा लेने से वजन तेजी से कम हो जाएगा। नंबर तीन, दिन के वक्त पानी न इस्तेमाल करने से होंठ काले पड़ जाते हैं। नंबर चार, अमरूद के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है। नंबर पाँच, कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद पानी पीने से सूजन आ सकती है। नंबर छः, सुबह उठते ही मोबाइल यूज करने से सिर दर्द की समस्या होती है। नंबर सात, ज़्यादा चावल खाने से डायबिटीज की समस्या होने लगती है। नंबर आठ, दही के ऊपर वाला पानी लीवर को साफ करता है, दिन में एक ग्लास दही का पानी जरूर पिए। नंबर नौ, रोज कुछ समय तक नाखून रगड़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। नंबर दस, आम का सेवन करने के बाद कभी भी हरी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर ग्यारह, जंक फूड खाने से कम उम्र में ही डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 12, फैटी लीवर के मरीजों को दूध नहीं पीना चाहिए। नंबर 13, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर 14, जब छींक आने लगे तो सर को झुका लो या दस्त अच्छी हो जाएगी। नंबर 15, जिन औरतों की त्वचा रूखी और खुश्क होती है उन्हें नाशपाती का सेवन करना चाहिए। नंबर 16, अगर केला खाने से आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डालने से इससे कब्ज की समस्या नहीं होगी। नंबर 17, फ्रीज में ब्रेड को रखने से बचना चाहिए, खुले में सामान्य तापमान में रखने पर ब्रेड अधिक समय तक चलती है लेकिन फ्रीज में इसके जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। नंबर 18, बुखार कम नहीं हो रहा हो तो फौरन चावल का उबला हुआ पानी पी लें, फायदा होगा। नंबर 19, दही में चीनी मिलाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। नंबर 20, जो महिलाएं अपने बाल बांध कर रखती हैं तो उनके दिमाग को ताकत मिलती है और साथ ही इससे बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती है। नंबर 21, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या रहती है वे रोजाना खजूर खाया करें, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 22, यदि आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबा के रखते हैं तो इससे आपके दांत मजबूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवा जैसी समस्या नहीं होगी। नंबर 23, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 24, अक्सर रसोई घर में असावधानी से काम करने पर हाथ पर पांव जल जाए तो जैतून का तेल लगाएं, इससे आराम मिलता है। नंबर 25, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है और साथ ही मसल्स भी मजबूत होते हैं। नंबर 26, हर रोज बाल धोने वाले इंसान के बालों की गिरने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नंबर 27, घर से चूहों को भगाना चाहते हैं तो कमरों के हर कोने कोने में कपूर रख दें। नंबर 28, अगर पेट की कोई बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल ज़्यादा खाया करें। नंबर 29, लहसुन की कली कटी हुई हो या साबुत इन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लहसुन नरम होकर अंकुरित होने लगते हैं और इसका स्वाद कम हो जाता है और जो लहसुन का लाभकारी गुण होता है वह भी खत्म होने लगता है। नंबर 30, अंडे में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल काले और सिल्की बनते हैं। नंबर 31, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं। नंबर 32, हाथ पाँव काले रंग के हों तो उटनी का दूध लगाएं, सफ़ेद हो जाएंगे। नंबर 33, एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 34,
अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा लें, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 35, ज्यादा देर तक ना सोया करें, ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर करती है। नंबर 36, हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है। नंबर 37, पेट भरकर खाना ना खाया करें, इससे पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। नंबर 38, जूते को पहनने से पहले इसे झाड़ लिया करें। नंबर 39, जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है और खाना जल्दी हजम नहीं होता है और यह मोटापे का कारण भी बन सकता है। खाना हमेशा आराम से और चबा कर खाना चाहिए। नंबर 40, उबले हुए चावलों को फ्रीज में रखकर कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे पेट खराब होने के साथ साथ अन्य कई बीमारियां भी हो सकती हैं। नंबर 41, खाने में रोजाना दही का सेवन जरूर करें, इससे यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 42, नहाने से पहले आपको पेशाब आ जाए तो यह पेट के कमजोर होने की निशानी है। नंबर 43, खाना खाते समय खाने को सूंघना नहीं चाहिए, इससे बदहजमी होती है। नंबर 44, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और यह आंखों और त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 45, अपनी डाइट में पुदीने वाली चटनी जरूर शामिल करें, इसके इस्तेमाल से थकावट महसूस नहीं होगी। नंबर 46, शाम के स्नैक्स में मखाना खाने से आपके शरीर में कब्ज और लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली पेट की बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है और मखाना एनर्जी बूस्टर भी होता है। नंबर 47, बार बार पेशाब जाने की बीमारी में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। नंबर 48, रात की बची हुई रोटी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी और पेट की कई बीमारियों से भी राहत मिलती है। नंबर 49, रोजाना सुबह उठते ही कंघी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं। नंबर 50, रात को नाभि में तेल डालने से होंठ नहीं फटते हैं और इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नंबर 51, अपने खाने में अदरक, लहसुन, दालचीनी, काली मिर्च जैसे मसाले को जरूर शामिल करें, यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। नंबर 52, रात का भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, भोजन करने के थोड़ी देर बाद आपको कुछ देर वॉक जरूर करनी चाहिए, इससे भोजन आसानी से पच जाता है और इससे शरीर का वजन भी नियंत्रित रहता है। नंबर 53, अदरक वाला पानी पीने से बदन में जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर 54, जो ज्यादा चलता है उसे दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर 55, दांतों से नाखून ना काटें, इससे कीटाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं और नजर भी कमजोर होती है। नंबर 56, ज्यादा चाय का सेवन करने से दांतों के एनिमल्स पर पूरा असर पड़ता है। नंबर 57, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है। नंबर 58, ज्यादा कफ होने पर केला और शहतूत खाना फायदेमंद होता है। नंबर 59, लंबे समय तक लगातार झुककर टीवी देखने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 60, ज्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नंबर 61, रोज गुड़ खाने से चेहरे पर आए हुए काले दाग और पिंपल्स दूर होने लगते हैं। नंबर 62, एक चम्मच दालचीनी का कुल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने पर आप निरोगी रहेंगे। नंबर 63, स्त्रियों के मासिक धर्म की खराबी में पुदीने की पत्ती की चाय बनाकर पीने से लाभ मिलता है। नंबर 64, जो रोजाना सुबह के वक्त एक टमाटर खा लेता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते हैं। नंबर 65, आधे सर के दर्द में अंगूर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, दर्द कम हो जाएगा। नंबर 66, अगर तीखा खाने के बाद आपको पेट में जलन होने लगती है तो आप ठंडा दूध का सेवन कर सकते हैं, यह पेट में बनने वाले एसिड को शांत करता है
जिससे पेट की जलन में राहत मिलती है। नंबर 67, दूध में इलायची डालकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।